यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। संत मरियम स्कूल के प्रांगण में सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर किया गया। मौके पर विद्यालय के निदेशक अविनाश देव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने सारा जीवन मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में धरती माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। मन की शक्ति तेज कर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज सारा जगत उनकी जयंती मनाने में लीन है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं पर विजय पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। बच्चों को इनकी जीवनी से अनुसरण करना चाहिए तथा राष्ट्रभक्त बनना ही जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए। महापुरुष ने अपने जीवन में सैन्य तथा मानसिक बल से हमेशा सफलता को प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन उप प्राचार्य तथा धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य आदर्श कुमार ने किया। मौके पर काफी संख्या में स्कूली बच्चे के साथ साथ स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद थे। संत मरियम स्कूल में सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया गया। इसका मकसद देखिए है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करके भी देश हित के लिए बराबर सोचे। सुभाष चंद्र बोस ऐसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो पिताजी के सपनों को पूरा करने के बाद भी उन्होंने देश हित के लिए जरूर सोचा। उन्होंने पिताजी का आदेश था कि बेटा IFS बनो, बनने के बाद पिताजी का आज्ञा के मानने के बाद उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ा। उन्होंने उनकी पहला नारा था तुम मुझे खून दो मैं तो यादें दूंगा। और आज ज़रूरत है बच्चों में देशभक्ति की भावना भरा जाए, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे देशभक्त हों, ये हमारा कोशिश है। इसी तहत संत मरियम स्कूल में हम लोग आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।